देन उसके बाद जो हमारा आता है वो सॉर्स ऑफ का ओसिस प्लस। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो क्रिम्पिंग कैसे करनी है। देन ये जो हमारा आता है ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ऐसा कि आपने देखा होगा डस्ट पाउडर जो हमारा आता है वो पाउडर फॉर्म में आता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रोडक्ट नॉलेज, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सीखा टूल्स नॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज, एक एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन कैसे यूज करना है और कुछ चीजें जो इसमें होती है वो प्रैक्टिकली होती है, तो इस चीज का आपको मैं उसी टाइम सिखाऊंगा। लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है और कैसे यूज करना है, कैसे किस बेस पे होता है, क्या होता है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपकी क्लियर होगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना कोई भी क्वेरी हो आपकी, और वीडियो उन तक शेयर कर देना जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रोडक्ट की नॉलेज देने से पहले मैं आपको थ्योरिकल थोड़ा सा समझा देता हूँ, और कुछ कुछ चीजें जो हमारे किस फॉर्म में आता है ये सारी चीजें आपको थ्योरिकल ही समझनी पड़ेगी, और आप नोट्स बना लेने इस चीज का। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कितने फॉर्म में आता है। ये तीन फॉर्म में आता है, ऑयल बेस, पाउडर बेस और वाटर बेस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ऑयल बेस की बात करते हैं। जो ऑयल बेस में हमारा प्रोडक्ट आता है वो सीरम आता है और आर्गन ऑयल आता है, और जिसमें भी ऑयल की मात्रा ज्यादा होगी वो प्रोडक्ट हमारे ऑयल बेस में आता है। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा वाटर बेस। तो हमारे जितने भी वाटर बेस स्प्रे होते हैं और जेल होते हैं ये सारे हमारे वाटर बेस्ड प्रोडक्ट में आता है। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है पाउडर फॉर्म। जैसा कि आपने देखा होगा डस्ट पाउडर जो हमारा आता है वो पाउडर फॉर्म में आता है, और जो टूथ स्कैल्प रीटचअप के लिए जो पाउडर आता है वो भी हमारा पाउडर बेस में आता है। ये हमारा हो गया तीन फॉर्म। इन तीन फॉर्म में हमारे प्रोडक्ट आते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनको कब और कैसे यूज करना है। इसको भी हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, प्री प्रोडक्ट, वर्किंग प्रोडक्ट और पोस्ट प्रोडक्ट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब हम जानेंगे कि एक एक करके प्री प्रोडक्ट कब यूज होता है। प्री प्रोडक्ट जब यूज होता है जब आप हेयर स्टाइलिंग से पहले उसे यूज करते हैं, जब हेयर स्टाइलिंग करने से पहले जब हमें प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम यूज होता है ये। और जो हमारा वर्किंग प्रोडक्ट होता है जब हम हेयर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम आप कौन से स्प्रे का यूज कर रहे हैं, कौन से डस्ट पाउडर का, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वर्किंग टाइम पे, तो वो होता है हमारा वर्किंग प्रोडक्ट। और लास्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा पोस्ट प्रोडक्ट, जो कि हम हेयर स्टाइलिंग के बाद, तो जो भी हम फिक्सिंग स्प्रे यूज करते हैं और शाइन स्प्रे यूज करते हैं और जो हेयर स्टाइलिंग के बाद जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो आता है हमारा पोस्ट प्रोडक्ट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम एक बार जान लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट प्री प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट वर्किंग प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्ट है। सबसे पहले हमारा जो प्री प्रोडक्ट है हम उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा मूज। सेकंड नंबर पे आता है जो भी हम ऑल टाइप्स ऑफ सिरम यूज करते हैं, आर्गन ऑयल सिरम, वो हमारा सेकंड नंबर पे आता है। और उसके बाद जो हम जितने भी हीट प्रोटेक्टर स्प्रे या फिर किसी भी फॉर्म में हीट प्रोटेक्टर यूज करते हैं वो हमारा आता है प्री प्रोडक्ट में। देन उसके बाद जो हमारा आता है वर्किंग एंड पोस्ट प्रोडक्ट को एक साथ बताता हूँ। जैसे कि हमारा ऑल टाइप्स ऑफ वर्किंग हेयर स्प्रे और फिक्सिंग हेयर स्प्रे, वैक्स, सीरम, जेल, डस्ट पाउडर, शाइन स्प्रे। तो इतना ही था हमारा थ्योरिकल नॉलेज। इसके बाद जो हमारा आता है वो हम प्रैक्टिकल में आपको समझाएंगे, और अभी मैं आपको सारे स्प्रे, सारे जितने भी प्रोडक्ट है हमारे वो मैं आपको वन बाय वन उसकी स्पेसिफिकेशन देता हूँ। तो आज आप वीडियो में देखते हैं। तो जैसा कि आपने थ्योरी में देखा जो हमारा प्री प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा हीट प्रोटेक्टर और मूस और सीरम। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। और हम सीरम को वर्किंग प्रोडक्ट में भी यूज करते हैं और पोस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें भी यूज करते हैं। जैसे कि कर्ल्स करने के बाद हम उसे ओपन करना है तो हम इससे भी ओपन करते हैं। और जो हमारा मूज आता है, जब हमारे जो हेयर है 40-50% वेट होना चाहिए, उसको टॉवल ड्राई करके इसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद उसमें स्ट्रेट ड्रायर करके कर्ल्स करते हैं, तो जो हमारे कर्ल्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये हमारा आता है ओसिस प्लस का, जो शॉर्टकॉप कंपनी है ओसिस प्लस का, ये हीट प्रोटेक्टर है और ये वाटर बेस में आता है, इसे स्प्रे करते हैं हेयर पे, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है सीरम। और सीरम को यूज करने का तरीका है कि 2-3 ड्रॉप लेके और पूरे पाम पे इसे चारों तरफ रब करना है, और रब करने के बाद हेयर पे अप्लाई करते हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो बस आप अभी प्रोडक्ट देख ले। तो ये हमारा आता है स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल का हेयर सीरम। देन उसके बाद जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम ये ओसिस प्लस का डस्टिंग पाउडर। ये सॉफ्ट स्कॉप का है डस्टिंग पाउडर, इसका होल्ड एक लेवल नंबर का है, और ये बालों में हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ये देखो आप, ये ऐसे यूज करते हैं इसको डैप डैप करके। तो ये ओसिस प्लस का डस्टिंग पाउडर है। अगर आप जैसे कोई क्लाइंट क्रिम्पिंग नहीं मांगता है तो आप इसको अप्लाई करके और बालों को हार्ड करके उसमें बैक कॉम्बिंग कर सकते हैं,
मेनली जो होता है ये बैककॉमिंग करने के लिए होता है, और बैककॉमिंग इससे स्ट्रांग होती है और अच्छी होती है। देन उसके बाद जो हमारा आता है ये लॉरियल का रीटचअप, ये डार्क ब्राउन में है। इसकी स्पेसिफिक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करी है रिसेंटली, तो ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा ये होता है रूट टचअप के लिए, जो कि जिन क्लाइंट के हेयर में अगर जैसे स्कैल्प दिख रही है तो उसको हम हाइड कर सकते हैं। और ये 3 सेकंड के अंदर अप्लाई करता है और 1 मिनट के अंदर ड्राई हो जाता है ये। और जो अब हमारा आता है वो आता है हमारा ये जेल, जो कि ये वाटर बेस में होता है और इसका जो होल्ड है ये 3 नंबर का है। और ये आप देख सकते हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट देखें अभी, और जो भी आने वाली वीडियो होगी, आने वाली वीडियो में आप जो पूरी क्लास अभी बची हुई है उसको मैं प्रैक्टिकली इसको समझाऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं और इसका क्या काम है। तो ये मेनली ये जो हमारा ये जेल है, होल्डिंग लेवल 3 है इसका, ये गैट्सबी का है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा हेयर वैक्स, ये देख सकते हैं आप। जब भी आप ब्रेड बनाते हैं तो इसको हैंड में ऐसे अप्लाई करके और इसको रब करके, और जब भी आप ब्रेड बनाएंगे तो ये आप उससे नीटनेस आएगी और फ्लाई फ्रीजी हेयर जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है ये आता है हमारा नोवा गोल्ड का हेयर स्प्रे, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हेयर स्प्रे है और इसका होल्ड जो रहता है वो 5 नंबर रहता है। और ये डैब डैब करके यूज़ करना है, ये देख रहे हैं, ठीक है। ये तो आप नॉर्मली हर हेयर स्टाइलिंग की वीडियो में सीखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है, ज़्यादा क्लोजली करेंगे तो वो हेयर्स बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये 5 नंबर होल्ड का है। और जो हमारा आता है शॉर्ट स्कॉप का टाफ्ट, ये दोनों हेयर स्प्रे सेम है, ये आप देख सकते हैं, बस इनकी पैकिंग चेंज है। ये अल्टीमेट 5+ ये है और इसका 6 नंबर होल्ड दे रखा है, तो ये दोनों ही सेम काम करते हैं। और ये दोनों का जो हमारी होल्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है। नोवा से अच्छा हेयर स्प्रे मुझे पर्सनली ये लगता है, ये दोनों ही सेम है। देन अप्लाई जो करने का तरीका है वो मैं इंस्टाग्राम पे आपको बताता ही हूँ, तो इस इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और अगर क्लास से आपको कोई रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर कॉल मैसेज व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा आता है वो शॉर्ट स्कॉप का ओसिस प्लस, इसका 1 नंबर होल्ड रहता है, लाइट कंट्रोल रहता है और ये बालों में शाइन के साथ साथ कंट्रोल देता है, जो कि इसका जो शाइन है वो 1 नंबर है। हालांकि हम देखें तो ये शॉर्ट स्कॉप का टाफ्ट शाइन स्प्रे ये भी है, लेकिन ये होल्ड के साथ साथ आपको शाइन देगा तो, और ये होल्ड नहीं देता। तो आप ये करके आप होल्ड मतलब इसको स्प्रे करने के बाद आप उसमें कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये अगर अप्लाई करते हैं तो आप इसमें होल्ड के साथ साथ ये है शाइन, तो आप ये नहीं करें तो बेहतर है, और ये लास्ट में करें तो ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे, ये भी बहुत यूजफुल है, सारे हेयर स्टाइलिस्ट यूज करते हैं, तो आप भी ले सकते हैं अगर बजट में हो तो। अगर इनका रेट आपको पता करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड भी कराते हैं। देन ये जो हमारा आता है ये थोड़ा कॉस्टली होता है, बजट अगर है आपका तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको कैरी ना भी करें तो चलेगा। इनमें से जो स्प्रे आप नॉर्मली एक ये स्प्रे कैरी कर सकते हैं और एक ये स्प्रे कैरी कर सकते हैं, इनफ है। और जेल ये सभी चीज़ें ये अगर कैरी करना है तो आपको हीट प्रोटेक्टर कैरी करना है तो करना है, क्योंकि क्लाइंट कई बार बोल देता है कि हमें हीट प्रोटेक्टर लगा के जो भी वर्क करना है आपको मशीनरी वर्क कर सकते हैं। देन हम टॉपिक पे आते हैं, तो ये हमारा शॉर्ट स्कॉप का स्लाउट स्प्रे है, जो कि इसका होल्ड बहुत ही सुपर होल्ड रहता है और ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। और ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इन जो होल्डिंग स्प्रे है हमारे, जैसे कि नोवा गोल्ड है, शॉर्ट स्कॉप का अल्टीमेट है, इन सारे से अच्छा इसका होल्ड रहता है। बस वही है कि आप अगर बजट में है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे जो है ये प्री प्रोडक्ट के यूज़ में भी आते हैं और ये वर्किंग और पोस्ट प्रोडक्ट के भी यूज़ में भी आता है। और जो ये हमारा आता है ये हमारा वर्किंग प्रोडक्ट है, ये हमारा वर्किंग पोस्ट प्रोडक्ट के उसमें भी आता है। और जो हमारे वैक्स और जेल होता है जो कि वर्किंग है, और जितने भी हमारे हेयर स्प्रे वर्किंग एंड पोस्ट प्रोडक्ट है, जो कि जैसे ये हम वर्किंग टाइम पे भी करते हैं और पोस्ट में भी कर सकते हैं एंड में शाइन देने के लिए। और ये हमारा अगर आप चाहें तो ये पोस्ट प्रोडक्ट और वर्किंग प्रोडक्ट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और ये भी हमारे जितने भी हेयर स्प्रे है ये हम वर्किंग और पोस्ट
प्रोडक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज यही था हमारा प्रोडक्ट नॉलेज। जैसा कि मेरे को पता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना उन लोगों तक। और कोई भी क्लास की इंक्वायरी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर कॉल, मैसेज और व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्लास 5 रहेगी हमारी, और उसमें हम सिखाएंगे प्रिंपिंग कैसे करनी है। तो हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में सेक्शनिंग सिखाई, उसके बाद टूल्स नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, सारी चीजें मैं आपको बारी बारी सिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो क्रिम्पिंग कैसे करनी है और कैसे कितनी लेंथ तक करनी है, कैसे स्टाइल में कहां तक क्रिम्पिंग करनी है, कितना दबा के करना है, ये सारी चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और अच्छी अच्छी चीजें आप मेरे से सीखते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।